जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग ईमान के लिए नहीं लड़ते बड़ी भूल करते हैं। और यदि लाठियां, जेलें, मुकदमे सबब है इनकलाब का, तो भारतीय जनता पार्टी वालों, हम आपकी ये शर्तें भी कबूल करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने मुकाम तक पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी यादें लोगों की जहन में अब भी ताजा हैं। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े लोग, हत्या, अराजकता और बलात्कार के खिलाफ खड़े लोग, झूठ, हिंसा और नफरत के खिलाफ अपने घरों से लोग बाहर आए। पूरे देश की सड़कें गुलजार हुई, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्रांति की उम्मीदें लबालब हुई, अमूलचूल सामाजिक परिवर्तन के रास्ते मिले। राहुल ने हाथ थाम के आशा की राह दिखाई और देश को सोचने का नया नजरिया मिल गया। ये सभी दृश्य आपको जरूर याद होंगे, याद है ना? नहीं याद तो चलिए देहरादून के रहने वाले वैभव वालिया को सुनिए। वैभव भारत जोड़ो यात्रा की पूरी दिनचर्या साझा कर रहे हैं। मेरा नाम है वैभव वालिया, मैं देहरादून से हूँ। 5:30 बजे हम सो के उठते हैं, 6:15 बजे तक तैयार हो जाते हैं। साढ़े छः बजे फ्लैग होस्टिंग होता है, उसमें जाते हैं। सीधा यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं, 7 बजे यात्रा शुरू कर देते हैं। यात्रा में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, नारे लगाते हैं। फिर अगला दिन शुरू होता है और ऐसे ही 136 दिन निकल जाते हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पार हो जाती है। कई राज्य निकलते हैं, जिले निकलते हैं, अनगिनत गांव, कस्बे और गलियों से होते हुए जननेता राहुल गांधी इस देश को एकता के सूत्र में बांध देते हैं। वैभव भी यही कह रहे हैं। हमारे देश की एक ऐतिहासिक यात्रा है, ये इस देश को जोड़ने की यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है, ये एकता की यात्रा है, ये सच की यात्रा है।